नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 7 नवंबर की दीपावली है और 13 तारीख की छठ पूजा है। हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहुंचे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहां पर जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए रेलवे ने खास तैयारियाँ की गई है ताकि उनको जो है कोई परेशानी ना हो। अगर उनकी ट्रेनें जो हैं वो लेट हैं तो वो यहाँ पर आराम से ठहर सके, यहाँ पर जो है उनके इंतज़ार कर सके, इसी के लिए जो है रेलवे ने खास तैयारियाँ की है। क्या है रेलवे की खास तैयारी इस बार दीपावली को लेकर के, छठ पूजा को लेकर के, आइए आपको दिखाते हैं। तो रेलवे ने जो है यहाँ पर ये पंडाल लगाया है। इस पंडाल में करीब जो है 1000 आदमी के आसपास जो है हमें बताया गया है कि 1000 आदमी यहाँ पर ठहर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इस पंडाल के अंदर हम चलेंगे। यहाँ पर जो है ये महिला शौचालय को लेकर के जो बोर्ड लगा हुआ है वो देखेंगे। अगर आपको नज़र आ रहा है तो सुलभ शौचालय, वहाँ पर पोर्टेबल जो है महिला शौचालय, 2 पोर्टेबल जेंट्स और महिला अलग अलग जो है 2 पोर्टेबल शौचालय लगाए गए हैं। 2 यहाँ पर जो है वाटर टैंक लगाए गए हैं ताकि जो है यात्री यहाँ पर पीने का पानी उनके लिए उपलब्ध हो सके। और टेंट के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं वो दिखाते हैं आपको। टेंट में जो है यहाँ पर बात करें तो ये नया फर्श डाला गया है और ये कालीन जो है ये बिछाई गई है ताकि यात्री यहाँ पर इस पर लेट सकें। और साथ ही साथ पंखे लगाए गए हैं और यहाँ पर जो है मोबाइल चार्जिंग के लिए आपके लिए जो है पावर सॉकेट दिया गया है। टेंट के अंदर जो है इस तरह की LCD स्क्रीन लगाई गई है जिन पर अभी जो है धार्मिक जो है भजन एक कोई चल रहा है। और मेरे पीछे देखेंगे कि ये बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर आज की टुडे स्पेशल ट्रेनें, तो यहाँ पर जो है आज की क्या क्या जो है स्पेशल क्या क्या ट्रेन है उसके लिए अलग से जो है बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि आपको पता चल सके कि अभी जो है कौन सी ट्रेन कहाँ पर आ रही है और किस ट्रेन की क्या स्थिति है। क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर ये पूरी तैयारी, यहाँ पैसेंजर के लिए मान लो कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, इनको आने में जाने में सामान में क्यू में अच्छी तरह से पूरा डिसिप्लिन से इनको जो है। कोई डॉक्टरी के लिए भी प्राइमरी जो है वो रखा गया? हाँ रखा गया, ये फर्स्ट एड के लिए रखा हुआ है। अच्छा, तो अगर आपको कोई समस्या होती है स्वास्थ्य संबंधी तो उसके लिए भी जो है आपको यहाँ पर सुविधा जो है वो रेलवे मुहैया करा रहा है। तो यहाँ पर जो है टिकट लेने के लिए अनारक्षित टिकट घर जो है वो बनाए गए हैं। 6 स्पेशल काउंटर यहाँ पे बनाए गए हैं। जनरल टिकट जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। ऊपर जो है वो अगर हम जो रेलवे का जो परमानेंट अगर बात करें तो ऊपर जो पहला मंजिल है, पहले मंजिल पर रेलवे का टिकट घर है, लेकिन इस बार जो है यात्री ज़्यादा आते हैं रेलवे दीपावली के दिन पे, छठ पूजा के दिन पे, तो इसलिए जो है यहाँ पे खास इंतजाम किए गए हैं और स्पेशल जो है काउंटर बनाया गया। स्पेशल काउंटर कब से बनाया गया? 3 दिन हो गए हैं सर। 3 दिन हो गए? हाँ जी। कब तक रहेंगे ये? 13 तारीख तक। 13 तारीख हाँ, तक छठ पूजा के लिए। जनरल टिकट दे रहे हैं या कुछ और भी? जनरल है सर। हाँ, बाकी टिकट नहीं मिलेगा यहाँ पे? जनरल टिकट मिलेंगे, स्लीपर नहीं मिलेंगे। स्लीपर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो अगर किसी को कोई ट्रेन के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो अलग है क्या, या आप बताएंगे? पीछे इंक्वायरी काउंटर बना हुआ है हमारे, उसके लिए पीछे इंक्वायरी काउंटर। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पर जो है जनरल टिकट आप ले सकते हैं और ये स्पेशल काउंटर लगाए गए हैं। 3 दिन पहले लगाए गए हैं और 13 तारीख तक जो है छठ पूजा के दिन तक जो है ये यहाँ पर रहेंगे। तो रेलवे ने जो है यहाँ पर स्पेशल जो है सहायता बूथ लगाया है ताकि आप जो है अंदर आपको ना जाना पड़े इंक्वायरी करने के लिए कि आपकी जो ट्रेन है कौन से आपके शहर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है और कौन सी कितना लेट है, कितना कितने बजे आ रही है। कितनी ट्रेनें स्पेशल चलाई गई हैं दीपावली आज के दिन में? 3 नई दिल्ली से चल रही हैं गाड़ियाँ। हाँ। मुजफ्फरपुर के लिए, बॉम्बे के लिए और पटना के लिए। ये डेली चेंज होती रहती है। डेली चेंज हो रहा है जी। डेली की लिस्ट आती है हमारे पास। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेन है वो बिहार के लिए? हाँ, बिहार के लिए। बिहार के लिए। और क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं यहाँ पर यात्रियों को? इंक्वायरी है, टिकट्स के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं, जलपान की व्यवस्था की गई है, यात्रियों को बैठने के लिए अरेंजमेंट किए गए हैं। तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पर सीधे जो है पता कर सकते हैं कि कौन सी आज स्पेशल ट्रेन आपके शहर जा रही है और कौन सी ट्रेन जो है कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। और ये सारी जो जानकारियाँ हैं जिनको लेकर के एक आम जो रेल यात्री है वो परेशान रहता है, वो सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर रेलवे की जो ये बिल्डिंग है इसके बाहर ही जो है एक ये बूथ बनाया गया है, वहाँ पर आप ये सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है स्पेशल एक अलग से जो है यहाँ पे काउंटर लगाया है जिस पे आपको जनता खाना मिलेगा। और यहाँ पे ये देखिए आप, चाय 10 रुपये, कॉफ़ी 10 रुपये और जनता खाना 15 रुपये। ये जनता खाना है, इसमें क्या क्या है? ये 7 पूड़ी है, सब्जी है, अचार है सर, अचार और हरा मिर्ची। हाँ, ये देखिए तो इसके ये ताज़ा है, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, गारंटी अभी बन के आया सर। अभी बन के आया? हाँ, है सर। तो ये देखिए 7 पूरी है और सब्जी 150 ग्राम और अचार
15 ग्राम, 15 रुपए का रेलवे का खाना है। और क्या क्या यहाँ पे मिलेगा यात्रियों के लिए? यात्रियों के लिए सर पानी है, बिस्कुट है, चिप्स है और ये सामान है सब बाकी इधर। चलिए, कितना यात्री रोज आ रहा है आपके पास में? यात्री सब आते हैं जाते रहते हैं सर। हाँ, कम से कम नहीं तो हजारों में आते जाते हैं सुबह से शाम तक। चलिए, तो जो है यात्रियों के लिए खास इंतजामात हैं ये, और जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की ताकि आप अगर नई दिल्ली आए, और इसी तरह के हमें बताया गया है कि इसी तरह के इंतजामात जो है वो पुरानी दिल्ली भी किए गए हैं और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे भी किए गए हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, रेलवे के इंतजामात से आपको कितनी खुशी हुई, या कहाँ पर आपको लगता है कि रेलवे की तरफ से कोई काम ऐसा था जो और हो सकता था, तो वो काम भी जो है वो अपना सुझाव जो है वो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी फ्री में सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।